हरि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और ये महाप्रदोष व्रत महाशिवरात्रि का महापर्व और श्री महाशिवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत रख कर शिव पूजन शिव कथा सुनने से पुण्य होता है, लेकिन आत्मस्वरूप कल्याण स्वरूप त्र्यंबकेश्वर स्वरूप साक्षात सद्गुरुदेव के पावन सानिध्य में जिनको शिवरात्रि पर्व का सत्संग दर्शन लाभ मिल रहा है वो तो कितने पुण्यशाली है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और ऐसे शिवरात्रि महापर्व पर वो ही बुलाए जाते हैं। शिव स्त्रोतों का पाठ एवं अधिक से अधिक पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। रात्रि जागरण और शिव जी का मंत्र बापूजी बीज मंत्र बापूजी ने कल भी और आज भी कि जिनको शरीर में तकलीफ है बम बम का मंत्र जाप की विधि तीन पहर रात्रि जागरण में प्रत्येक पहर की समाप्ति पर शिव जी की आरती और पूजन करने से अश्वमेघ तुल फलों की प्राप्ति होती है। श्रुति कहती है शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशिनम आचंडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। व्रत के दूसरे दिन यथाशक्ति दान व दक्षिणा देनी चाहिए। शिवरात्रि व्रत का प्रारंभ संकल्प पूर्वक सम्मत नाम मास पक्ष तिथि नक्षत्र ना हो तो संकल्प करके, सब कुछ भगवान का है, हम गुरु के भगवान गुरु हमारी इस भाव से संकल्प करके। सभी शास्त्रों में सभी अनुष्ठान व पूजन दिन के समय वर्णित है, सब दिन में मनाया जाता है, परंतु चार महारात्रियां विशिष्ट है। दीपावली की रात कालरात्रि कहलाती है और जन्माष्टमी की रात्रि मोहरात्रि कहलाती है, होली की रात्रि सिद्धरात्रि कहलाती है और शिव की रात्रि अहोरात्रि आश्चर्यजनक रात्रि। और इन महारात्रियों के निषिद्ध और महानिषिद्ध काल में किए गए जप अनुष्ठान का कई गुणा फल प्राप्त होता है। अहोरात्रि का अर्थ है आश्चर्य और शिवरात्रि को अहोरात्रि भी कहा जाता है। इस संदर्भ में शिवपुराण में कथा आती है कि एक बार श्री हरि विष्णु जी चतुरानन ब्रह्मा जी ने परशिव ज्योतिर्लिंग का आदि से अंत जानने का निश्चय किया। श्री हरि विष्णु जी उर्द्व लोगों की ओर गए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी निम्न लोकों को गए, परंतु परशिव अर्थात ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत न जान सके। शिवरात्रि को ही दोनों वापिस आए तथा दोनों महाआश्चर्य हुआ दोनों को, इसलिए महाशिवरात्रि और महाआश्चर्यपूर्ण रात्रि को अहोरात्रि भी कहा जाता है। आजकल लोग होली महाशिवरात्रि के पावन पर्वों पर मादक द्रव्यों का भी, कई लोगों को देखा ना बोले भगवान भोलेनाथ भांग का सेवन करते हैं। जो जंगलों में जो बूटी उगती है ना भांग का पौधा, उसको भांग समझ लेते हैं, वो भांग के स्वरूप में चढ़ाया जाता है, उसमें नशा होता है ना, तो भांग और धतूरा बेलपत्र
इत्यादि भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। तो वनस्पति की भांग को लोग भांग समझ लेते हैं, लेकिन सुबह भी बताया था कि जो त्योहार हम मनाते उसके पीछे जो दार्शनिक तत्व है, उसका जो दर्शन है, वो गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। ऐसे बापूजी से हम सुनते हैं कि बेलपत्र हम चढ़ाते हैं तो अपने सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण भगवान शिव के चरणों में अर्पण करना है। ऐसे ही भगवान बोले, भगवान भोलेनाथ को भांग पीने का शौक है, तो आजकल कई लोग जैसे जाते हैं, पहले तो बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं कांवड़ लेने के लिए, हरिद्वार से, गोमुख से, गंगोत्री से कांवड़ लेके जाते हैं लेने के लिए और आते हैं। कई तो श्रद्धा और भक्ति भाव से जाते हैं, लेकिन कई लोगों को देखा है कि जगह 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 सेवादारी सेवा के लिए वो क्षेत्र खोलते हैं, फिर वो भांग पीते हैं, ऊंचा ऊंचा म्यूजिक बताते, गाते बजाते फिर आते। बोले भगवान शंकर को भांग पीने का शौक है। भगवान शंकर जैसे हमारे तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचेता हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि का विसर्जन अर्थात संहार करते हैं। उनको भुवनों को भंग करने का व्यसन अर्थात शौक है। तो आजकल लोग होली और शिवरात्रि के पावन पर्वों पर भी मातक द्रव्यों का सेवन करके इन पर्वों को अपवित्र कर देते हैं। अपवादों के कारण इन लोगों को मिथ्या भ्रांति है कि भगवान शिव भांग का सेवन करते हैं, इसलिए हम प्रसाद रूप में भांग का सेवन करते हैं। इन लोगों ने भांग का गलत अर्थ निकाला। भगवान शिव जिस भांग का सेवन करते हैं वह है विषय भोग वासना और संसारिक मोह का भंग होना है। आत्मस्वरूप कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप में आने से भोग वासना और संसारिक मोह भंग हो जाता है। मोह भंग होने के पश्चात ही सच्चिदानंद स्वरूप अपनी आत्मा में और आत्ममस्ती में डूबने का नाम ही वही सच्चा भगवान के नाम का नशा है। नानक जी ने कहा, भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। ये संसार की शराब, संसार का भंग और बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू, ये तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं, हम लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं फिर भी गिरते नहीं है, क्योंकि पीते हैं हम गुरु ज्ञान की प्याली, जिसकी मस्ती एक बार चढ़ती है तो फिर जीवन भर उतरती नहीं है, वो सत्संग की प्याली। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। जो भांग पीते हैं, बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते, तंबाकू का सेवन, उनको तो कहता हूं मैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तू एक बार सच्चे दिल से बापू के सत्संग में आ जा, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। तो संभ सदाशिव सदैव इस मस्ती में डूबकर ही शिवोहम तत्व में कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ रहते हैं। शिव को तत्व से जानने की आवश्यकता है। शिवोहम तत्व के कारण ही चिदानंद स्वरूप यह जीव शिवोहम कहलाता है। इस जीव से शिव जब पृथक हो जाता है तो मात्र शव रह जाता है, और जिसका ध्यान करने से वो आत्मस्वरूप शिव स्वरूप में जगना है, और जिसका स्थान जब ये शरीर में से शिव तत्व निकल जाता है तो इसका स्थान फिर शमशान में होता है, फिर ये शिव नहीं कहलाता, शव हो जाता है, और इसका स्थान शमशान भूमि। एक बार आद्य गुरु जगत शंकराचार्य जी बनारस में ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा से स्नान करके लौट रहे थे, तो एक चंडाल, कुत्ते को भी चंडाल बोलते हैं, चंडाल की योनि कुत्ते की, एक चंडाल और जो शमशान घाट में मुर्दा जलाता उसको भी चंडाल बोलते हैं, वो दोनों आ रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने देखा और कहा, ए चंडाल पीछे हट जा। तब वो चंडाल कहता कि आप मुझे चंडाल कहते हो तो फिर आप क्या हो। चंडाल, आपने कहा कि हे आचार्य, यदि मैं चंडाल हूं
और मेरा ये कुत्ता भी चंडाल है तो तुम कौन हो? आचार्य ने अपने आराध्य को पहचान लिया और अपनी पहचान बताते हुए उन्होंने अपने शिव तत्व शिवोहम तत्व को जान लिया और वो फिर अपनी देह को जो देह को मानता है मैं और मेरा देह को ही सच्चा मानता है मन बुद्धि को ही अपना सच्चा मानता है उसको चंडाल ही समझना चाहिए शंकराचार्य जी की भाषा में। शंकराचार्य जी कहते हैं वो चंडाल है और संत तुलसीदास भी उसको नीच कहते हैं, अष्टावक्र जी भी उसे चमार कहते हैं। जो सिर्फ देह में ही देह को मैं और मेरा मानकर जीता है वो चंडाल है। और भगवान शंकराचार्य जी ने 6 पादों में फिर अपनी पहचान बताई। आश्रम की निर्भयनाथ किताब है, एक पीछे स्टॉल से मिलेगी आपको। 6 पादों के भीतर भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी महिमा बताई कि वास्तव में मैं कौन हूं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम नचा सोत्र जीवे नचा घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ये जो 5 इंद्रियां दिखाई दे रही है कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां ये आंख कान नाक ये कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां भी नहीं मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं चित्त भी नहीं अहंकार भी नहीं न मैं पंचवायु न मैं पंचकोशा अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्व इंद्रियाणाम सदा में समत्वम न बुंधि न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो मेरा कोई विकल्प नहीं है मेरा कोई आकार नहीं मैं निराकार हूं मेरा बप्पू सभी स्थानों व शरीरों की सभी इंद्रियों में व्याप्त है मैं सुख दुख मान अपमान आदि वृत्तियों से परे समभाव में हूं और ना ही मैं कर्मबंधन में बंधा हुआ हूं इसलिए कोई मुझे मुक्त भी नहीं कर सकता मैं वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप हूं जो शिव है वही मैं हूं। काकभुसुंड जी ने एक बार गुरु लोमस ऋषि काकभुसुंड जी के जो गुरु थे लोमस ऋषि काकभुसुंड जी ने एक बार अपने गुरु का घोर अपमान कर दिया तब भगवान शिव काकभुसुंड जी को दंड देने के लिए दौड़े तब गुरु लोमस ऋषि ने भगवान शिव की स्तुति की और वो पुराण में भी है नमामि समीशाम निर्वाण रूपम। भगवान शिव को लोमस ऋषि प्रसन्न किया और अपने शिष्य की रक्षा की और रामचरितमानस में भी आता है गीता के 44 श्लोक में भी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं शिवरिष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन लब्धवा कुल गुरुम सम्यक गुरुमेव समाश्रित। यदि शिव जी रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव रक्षा करते हैं परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएं तो उनकी रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं इसलिए सदैव सदगुरु को प्रसन्न कर उनकी ही शरण में रहना चाहिए। तो हम ऐसे त्र्यंबकेश्वर स्वरूप सदगुरु के चरणों में बैठकर और जहाँ पर ये नासिका है नासिक जहाँ पर शूर्पणखा की नाक कटी उसके नाम से नासिका से नासिक और यहाँ त्र्यंबकेश्वर भगवान ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप त्र्यंबकेश्वर स्वरूप गुरु के पावन सानिध्य में शिवरात्रि का त्यौहार महोत्सव हम सबको मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हरे ओम।